दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल प्राइम वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में स्नेसी और डीएसटी के बीच में जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में क्लियर समझा देंगे और हर एक चीज को आपको क्लियर समझाएंगे ताकि अपने आप से एक बेटर टीम क्रिएट कर सको। बाकी लास्ट में एक डेमो टीम शेयर कर देंगे। और हाँ, अगर आपने प्रॉपर कमेंट इस वीडियो पर देखे तो कल के दिन में जो भी मैचेस होंगे उसमें मैं आपको 4 जीएल की टीम प्रोवाइड करूंगा, तो कमेंट कर देना। और जो आज के दिन में जितने भी मैचेस कवर किए सब में मैंने आपको 4 की जीएल की टीम प्रोवाइड किया था, तो इसमें भी डेफिनेटली मैं 4 जीएल की टीम प्रोवाइड करूंगा। देखो स्नेसी का बात किया जाए तो थोड़ी वीक टीम लग रही है एज कम्पेयर टू डीएसटी की टीम। डीएसटी की टीम लास्ट ईयर की डिफेंडिंग चैंपियन है और वो खेल भी इस सीजन वैसा ही रही है डिफेंडिंग चैंपियंस की तरफ। देखो इनके मुकाबले अगर मेरी मानो तो एक ही टीम है, क्रिकेटर्स इसी, बाकी उतना कोई टक्कर इनको नहीं दे पाता है। बात कर लेते चलो इस मैच के रिलेटेड। देखो ये मैच आपको सीबान क्रिकेट ग्राउंड लोअर ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा जो कि मैक्सिमम मैचेस यहीं पर खेला जा रहा है। और बात करिए पिच का तो आपको बैटिंग पिच देखने के लिए मिलेगा जो कि मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया T10 के पिचेस देखने के लिए मिलता है और यहां पर आपको पेसर्स भी काफ़ी अच्छा करते हैं, तो पेसर्स पर आप नज़र बनाकर जा सकते हो। और स्पिनर्स को तो अपने टीम में जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे सिर्फ उनको ही ट्राई करना, और जो वैसे मतलब लाइक एक ओवर कराते हैं कभी नहीं कराते वैसे स्पिनर्स को आप छोड़ सकते हो इस वीडियो के इस मैच के लिए। खासकर बात करते हैं वेदर की, तो वेदर कंडीशन का बात किया जाए तो आपको ओवरकास्ट कंडीशन देखने को मिलेगा। देखो अगर मान लो ना कि यही नॉर्मल पिचेस रहती हैं तो आपको ओवरकास्ट कंडीशन में बॉल बहुत ही घूमती है जिसकी वजह से बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल होता है रन स्कोर करने के लिए। बट ये पिच आपको ओवरकास्ट कंडीशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आर्टिफिशियल पिच है तो उतना ज़्यादा कोई मैटर करेगा नहीं। आपको बल्लेबाज जैसा खेलते हो मतलब जैसा अगर मान लो खराब खेलते हो तो अच्छा खासा रन स्कोर नहीं करेंगे, और अगर बढ़िया खेलते हो तो आपको अच्छे खासा रन स्कोर इस मैच में देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं एवरेज स्कोर का तो 145 रन है जो कि T10 के लिहाज से आप देखें तो काफ़ी अच्छा रन माना जाता है इस पिच के T10 के लिहाज से। बाउंड्री छोटी रहती है तो बल्लेबाज हर एक बॉल पर छक्का मारने का कोशिश करता है जिसकी वजह से कई बार आउट हो जाता है और कई बार काफ़ी ज़्यादा ही रन बना देती है टीम। T10 में कई बार तो टीम 200 प्लस आपको रन स्कोर कर देती हैं। बात करते हैं टोटल विकेट 53 गिरे हैं जिसमें पेसर्स ने 35 तो स्पिनर्स ने आपको 18 विकेट पिक कर रखे हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे ना तो जो स्पिनर्स हैं 18 विकेट, कल के मुकाबले देखा जाए तो आज काफी मतलब आपको ज्यादा विकेट स्पिनर्स के विकेट बढ़ने में बढ़ावट है। आपको पहले देखा जाएगा ना तो 5 से 10% विकेट स्पिनर्स पिक करते थे, बट यहाँ पर ठीक ठाक मतलब 20 से 25% स्पिनर्स ने विकेट पिक कर रखे। तो जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे सिर्फ उनको अपने टीम में ट्राई करना, वो आपके लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हेड टू हेड का, तो इन दोनों टीम्स के बीच में सिर्फ एक मुकाबला खेला है और वो मुकाबला आपको डीएसटी की टीम ने काफी आराम से जीत लिया था। देखो अगर आपको फाइनल टीम चाहिए, फाइनल के 4 जीएल की टीम चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको फाइनल जीएल की देखो डीएसटी की टीम काफ़ी अच्छी है तो मैं आपको 4 से 6 जीएल की टीम कोशिश करूंगा व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो पर प्रॉपर कमेंट करना ताकि आने वाले मैचेस में मैं आपको 6 जीएल की टीम भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और हाँ जो मैचेस मतलब इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि मैं जीएल की टीम भी बनाऊं मतलब वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी यहां पर वन साइडेड फेवर करके भी आप जा सकते हो डीएसटी की टीम का। बात कर लेते हैं टॉप पिक जो इस मैच के लिए आपके लिए हो सकते हैं, जे गिल जाए। कल के दिन में अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने जितने भी मैचेस खेले थे उसमें इन्होंने किए थे। एक मैच में ऑलमोस्ट 80 रन स्कोर किए थे और दूसरे मैच में भी ठीक ठाक स्कोर करके आए थे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और टीम के कैप्टन है, तो कैप्टनशिप पारी आपको ऑलमोस्ट हर एक मैच में स्कोर करके देते हैं, तो इनको अपने टीम में डेफिनेटली ट्राई करना। और कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप आप याद से इनको कर सकते हो जीएल में और स्मॉल लीग में भी। के दलपट्टू की बात किया जाए तो ये भी आपके लिए बेहतरीन चॉइस होंगे, ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं और 1 ओवर तक गेंदबाजी करके चलते हैं, तो के दलपट्टू आपके लिए अच्छे खासे चॉइस होंगे। और एस काजी हिल का बात किया जाए तो ये भी ठीक ठाक कह सकते हो, सीन से ज्यादा बॉलिंग से एक्सपेक्ट करके चलना, बैटिंग से काफी कम ही एक्सपेक्ट करना, उतने अच्छे चॉइस बैटिंग से नहीं होंगे। एस जूसुफ जाई का बात किया जाए तो देखो ये 2 ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी करते बट बल्लेबाजी से टीम अब इनको डिमोट कर रही है, तो इस वजह से आपके लिए उतने अच्छे चॉइस इस मैच के लिए नहीं रहेंगे। तो आप चाहो तो इनको स्मॉलिंग में तो ट्राई करके जाना ही जाना है आपको, जीएल में इनको कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप भी आप दे सकते हो। ए नावीद का बात किया जाए तो ओपनिंग कल के दिन में इन्होंने बल्लेबाजी किया था जो लास्ट मैच खेला था इन्होंने, और वहां पर आपको गेंदबाजी से नहीं करो बल्लेबाजी से काफी शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था। अगर मान लो इकबाल हुसैन आपको आते हैं
तो उनके प्लेस पे मतलब ये आपको नंबर 3 या नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते दिखेंगे। इकबाल हुसैन आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। एस जदरान का बात किया जाए तो इन्होंने 4 से 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और आपको 2 ओवर की गेंदबाजी करके दे सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर को आप मिस करके मत जाना, ये टॉप 6 प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करके जाना ही जाना। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट मैच में इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 था उसका बता देता हूं मैं। देखो स्नैसी की टीम जो कल के मुकाबले खेले थे, आर अहमद ओपनिंग करते हुए नजर आए थे के दलपटुडू के साथ है। तो आर अहमद मेरे को नहीं लगता कि हर एक मैच में आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे, तो इनका कंफर्म मान के चलो। देखो एल कस्तूरी भी है, एल कस्तूरी शायद कल के मैं यहाँ देखो यहाँ पर दिखा रखा है, कल का एक मैच नहीं खेले थे बट ये ओपनिंग करेंगे और यहाँ से आर अहमद का बैटिंग ऑर्डर नंबर 4 या नंबर 5 पे हो सकता है। तो यहाँ पर आप इनको नंबर 5 पे एक्सपेक्ट करके चलो और एल कस्तूरी डेफिनेटली करेंगे क्योंकि सामने जो टीम है वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो के दलपटुडू और एल कस्तूरी ओपनिंग करेंगे और के एल कस्तूरी आपका 1 कैप्टन फॉर्मूला आप इस मैच में यूज करके जा सकते हो अगर आप 20+ टीम बनाते हो तो। और देखो जहां मैं बोलता हूँ वहीं पर टीम क्रिएट करो, आपका प्रॉफिट 100% होगा। वहां पर 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। बूम 11 एक ऐसा ऐप है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। एक्स्ट्रा टाइम मतलब टाइम मिलता है। तो मान लो जीएल में भी अगर 20 टीम क्रिएट कर रखे हो और ये 2 मिनट से 3 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, तो मान लो पहली ओवर में विकेट गिर जाता है तो हर एक जीएल की टीम पे चेंजेस कर सकते हो, स्मॉल लीग में चेंजेस कर सकते हो। तो जीतने के चांसेस यहाँ काफी अच्छे हैं। जय गिलजाई डेफिनेटली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। कल के दिन ये जैसा प्रदर्शन किया था, अगर आज के दिन भी वैसा प्रदर्शन करते हैं और आप जीएल में इनको कैप्टनसी दे देते हो तो कई जीएल में आपको अच्छे खासे रैंक दिला सकते हैं। सत्यम सुभाष कोई खास प्रदर्शन अभी तक आया नहीं है, इनका बैटिंग ऑर्डर आप डिमोट मान के चलो क्योंकि मान लो T10 मैचेस में अगर कोई प्लेयर बढ़िया प्रदर्शन नहीं करता तो टीम उनको बैटिंग से डिमोट कर देती है। एम ब्रह्म खेल का बात किया जाए तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अवेलेबल, सॉरी बॉलिंग सेक्शन वाले हैं, एम जे बरह में खेल रहते थे, इनसे भी आप ज्यादा उम्मीद मत लगा के चलना। जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए काफी रिस्की रहेंगे। एच भाटी इनको आप जीएल में भी मत ट्राई करना, जीएल में भी आपके लिए ये रिस्की रह सकते हैं। एच काजी किहिल का बात किया जाए तो इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, 2 ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी कराते हैं, हाँ बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीद लगा के मत चलना। और यहाँ से बात कर ले एस शेरगिल का तो इनको अब जीएल में भी मत ट्राई करना, जीएल में भी रिस्की रहेंगे। बी इकबाल और आर अहमदी, बी इकबाल को डेफिनेटली आप जीएल में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी रोटेट करके चलना और यहाँ पे स्मॉल लीग में तो बाय डिफॉल्ट आप ट्राई करके चलना। आर अहमदी और डी विजी से कारा दोनों को जीएल में ट्राई करके आप जा सकते हो। बात कर लेते हैं हम यहाँ से डीएसटी की तरफ से, तो आई ए नवीद और ए आर सिगीवाल जो कि पहले मैच में टीम के कैप्टन थे अब इस मैच में खेल रहे और ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जो लास्ट मैच खेले थे उसमें इन्होंने 17 बॉल में 50 रन स्कोर किए थे, तो ऐसे प्लेयर को डेफिनेटली अपने टीम में ट्राई करके चलो। ए नवीद का मैं बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म नहीं हूँ कि अगर मान लो इकबाल हुसैन या ए क्यू उत्मान जाई रहेंगे तो आपको ये ओपनिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, तो आप क्यों उत्मान जाए कोई मान के चलो कि ओपनिंग करेंगे। एम साफी फिर नंबर 4 पे आ जाएंगे क्योंकि फिर नंबर 3 पे डिमोट हो जाते हैं और एस जदरा नंबर 5 पे आप इनको एक्सपेक्ट करके चलना, 2 ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी और आपको बैटिंग में भी नंबर 5 पे आ जाते हैं तो कुछ पावर हिटिंग करके आ जाएंगे। देखो ए अहमद जाई की बात किया जाए तो जब से ए नावीद ये सब प्लेयर आए ना इनका बैटिंग ऑर्डर डिमोट हो गए और बॉलिंग से उतना कंफर्मेशन रहता है नहीं, तो इनको भी जीएल में ट्राई करके चलना। एस जूसुफ जाई ये तो बाय डिफॉल्ट होंगे आपके स्मॉल लीग के लिए क्योंकि 2 ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी और आपको बैटिंग से अगर प्रमोट हो जाते हैं तो अच्छे खासे हिट भी लगा सकते हैं। क्यू उत्मान जाई विकेट कीपिंग सेक्शन में अवेलेबल है और डिफॉल्ट ऑप्शन आपकी टीम के लिए होने चाहिए तो ये बाय डिफॉल्ट मान के चलो। जे खान और जेड सिनवारी दोनों को जीएल में ट्राई करके चलना। आई दीदार देखो अगर इनका रिकॉर्ड आपने देखा होगा तो ओवरऑल T10 में और रिसेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन था बट अब इनसे टीम बॉलिंग प्रॉपर मौका नहीं दे रही है तो बॉलिंग विकेट उतना नहीं निकाल पा रहे, तो अगर ये प्रॉपर 2 ओवर की बॉलिंग कराते हैं तो काफी तगड़े विकेट निकाल सकते हैं। जे मोहम्मद उसमें इतने अच्छे चॉइस नहीं होंगे स्मॉल लीग के लिए। देखो इनके पास बेटर बेटर ऑप्शन है लाइक इकबाल हुसैन, उसके बाद यहाँ से बात कर ले आसिफ जजाई ये खेल सकते हैं और आई साफी, देखो आई साफी को आप कैसे भूल सकते हो, कुछ मैचेस में ओपनिंग भी किए थे और 2 ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी करते हैं तो आई साफी को मान के चलो 100% ये इस मैच को खेलने वाले हैं। चलिए अब टीम डिस्कस कर लेते हो। देखो हमारे पास विकेट कीपिंग सेक्शन से पहले मैं अब स्मॉल लीग के लिए टीम डिस्कस करूंगा, क्यू उत्मान जाई को ट्राई कर रहा हूँ और बैटिंग सेक्शन से जे गिलजाई के दलपटुडू और ए जाई को मैं नहीं ट्राई करूंगा, सब लोग पॉइंट देख के टीम ट्राई कर देते हैं। अगर इन्होंने 230 रन पॉइंट स्कोर कर रखे तो सब लोग इनको ट्राई कर रहे हैं बट इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास ए नावीद और आर सिगीवाल है, दोनों में से दोनों को आप ट्राई कर सकते हो, दोनों बेहतरीन चॉइस आपके लिए होंगे। बाकी एस जूसुफ जाई एल कस्तूरी मैं 100% कह रहा हूँ एल कस्तूरी इस मैच को खेलेंगे और 1 कैप्टन फॉर्मूला के सबसे बेहतरीन कैप्टन हो सकते हैं। डी विजय से कह रहा जीएल के लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, स्मॉल लीग में काफी रिस्की रहेंगे
ए जजाई जीएल में ट्राई करना अगर खेलते भी है तो, और एस शेरगिल जीएल में ट्राई करना। बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो एस जदरान बी इकबाल दोनों बाय डिफॉल्ट प्लेयर है आपके टीम के लिए, दोनों दो दो ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी करते हैं और विकेट टेकर गेंदबाज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलिंग ही कराते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आई साफी, ये तीन आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो जाएंगे। आई साफी 100% इस मैच को मैं खेलने वाले, मैं गारंटी देता हूँ, तो इनको अपने टीम में ट्राई कर लेना, तीनों बेहतरीन ऑप्शन होंगे। और चौथे के रूप में आर अहमदी को ट्राई कर सकते हो, कल के दिन में इन्होंने बहुत तगड़े प्रदर्शन किए थे। या एस काजी खेल का भी बहुत अच्छे खासे चॉइसेस हैं, और एसएनए की तरफ से ए नाथवानी बाहर बैठे हैं, अगर खेलते हो तो ये भी बेहतरीन चॉइस आपके लिए हो सकते हैं। देखो कैप्टनसी तो एल कस्तूरी, ये तो डिफॉल्ट ऑप्शन है, भूल कर भी किसी और को मत करना। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ए जे घेल जाए जो डिफॉल्ट ऑप्शन, और यहाँ से एस जूसुफ जाए, और एस जदरान को भी लोग करेंगे, बट मेरे हिसाब से जे खिल जाए सबसे बेस्ट ऑप्शन कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए आपके लिए इस मैच में हो सकते हैं। तो हमारी स्मॉल लीग वाली टीम है जिसमें कैप्टन मतलब विकेट कीपिंग सेक्शन से क्यू उत्मान जाए, बैटिंग सेक्शन से ए नावीद, आर सिगीवाल, जे घेल जाए, के दलपटडू, ऑलराउंडर सेक्शन से एल कस्तूरी और एस जूसुफ जाई को ट्राई कर रखा है। वहीं अगर बॉलिंग सेक्शन से बात किया जाए तो एस जदरान, आई साफी, बी इकबाल और आर अहमदी को ट्राई कर रखा है। इनमें से मान लो अगर कोई नहीं खेलता है तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे चेंजेस करके आपको फाइनल टीम शेयर कर दूंगा। अब चलिए चार जीएल की टीम बताता हूँ, और इसमें मैं वन कैप्टन फार्मूला यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये मैच वन कैप्टन फार्मूला की वजह से काफी तगड़ा जा सकता है। और हाँ, यहाँ पर रिस्क ले लो, यहाँ पर अहमद जाई को ट्राई कर लो, क्या पता अच्छा खासा गेंदबाजी मिल जाए और बैटिंग से प्रमोट कर दिया जाए तो अच्छे खासे पावर हीटर है। और यहाँ से मैं आई दीदार को, ये परफेक्ट टीम है, तो यहाँ से मैं कैप्टनसी दे देता हूँ जे एल कस्तूरी को, और वाइस कैप्टनसी थोड़ा सा रिस्क लेकर यहाँ से एस जूसुफ जाई को कर देता हूँ। तो हमारा पहला कैप्टन टीम, दूसरे में थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ यहाँ पर आर अहमद को, अगर ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी नहीं, क्यों उत्मान जाई को तो भूल कर भी ड्रॉप नहीं करूंगा मैं। यहाँ से आर सिगीवाल पर रिस्क लेता हूँ मैं, आर सिगीवाल, क्या पता, देखो ये काफी बड़ा रिस्क है, तो मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी सेफ जाऊंगा मैं इसमें। ये अहमद जाई, यहाँ से ए आर सिगवाल को कर देता हूँ, आर ए नावीद को ड्रॉप करते हैं, और यहाँ से आर अहमद, यही ये सबको पिक करते रहो भाई, यहाँ पर इतने बड़े बड़े प्लेयर को छोड़ देगा आपको वन साइडेड लॉस हो जाएगा जीएल में, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, बट इतना भी नहीं कि आपको काम खराब हो जाए। एम साफी को ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारी सेकंड जीएल की टीम, कैप्टनसी तो मैं एल कस्तूरी वन कैप्टन फार्मूला आपको बता ही दिया हूँ, और वाइस कैप्टनसी में यहाँ से जाऊँगा लाइक मैं एस जदरान के साथ चला जाता हूँ। तो हमारी दूसरी जीएल की टीम हो गई है। अब तीसरी जीएल की टीम पहले टीम के क्लोन में ही बनाऊंगा मैं, सेम यहां से जाऊंगा मैं, और आर सी अग्रवाल पर थोड़ा रिस्क लेता हूं, क्योंकि ये इतने भी मान लो बैटिंग से फॉलोअप हो गए तो उतने अच्छे चॉइस नहीं होंगे फिर यहां से बैटिंग। बॉलिंग सेक्शन से अब मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉपर गेंदबाज है, तो यहाँ से आर अहमदी को ड्रॉप करके सिर्फ मैं यहाँ से एक प्लेयर, देखो ऑलराउंडर सेक्शन से डी विजय सिकारा का बॉलिंग कन्फर्म नहीं रहता, इस वजह से मैं इनको ट्राई नहीं करूंगा। सत्यम सुभाष खेलते हैं तो अच्छे खासे चॉइस रहेंगे, जे ब्रह्म खेल उतने अच्छे चॉइस नहीं है, आई दीदार पर नहीं, आई दीदार तो उतने अच्छे चॉइस नहीं है, ये डेफिनेटली 100% लॉस करवा देंगे। सत्यम सुभा नहीं, ये भी बहुत रिस्की रह जाएंगे, बहुत देखो ज्यादा रिस्क लेने का कोई फायदा बनता नहीं है। अहमद जाई ठीक है, इतना रिस्क भी मत लो। बाकी वाइस कैप्टनसी मैं थोड़ा सा रिस्क लेके आई साफी को कर देता हूँ। ये हमारी तीसरी जीएल की टीम हो जाएगी। चौथी बात करें तो अब थोड़ा सा यहाँ रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिस्क बनता है भाई। यहाँ से हो जाएंगे आर अहमद, यहाँ से हो जाएंगे आर सिगीवाल, और यहाँ से हो जाएंगे एक मिनट, यहाँ से क्यू केस काजी हिल के बदले यहाँ से मैं कर लूंगा एम साफी, सॉरी ए नावीद, ये हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी अभी के लिए टीम, मतलब जीएल की चौथी जीएल की टीम। डी विजय सिकारा को नहीं पिक करेंगे, डी विजय सिकारा काफी रिस्की हो जाएंगे, और ये अपने आप सिलेक्ट हो जा रहा है। मैं यहाँ पर बॉलिंग मेरी रिस्क लेता हूँ, क्योंकि बॉलिंग ही काफी वन साइडेड जितवा सकती है। तो ये हमारी हो जाएगी चौथी जीएल की टीम, और इसमें थोड़ा प्लेयर पर रिस्क लिया है तो मैं यहाँ पर वाइस कैप्टन से सेफ चला जाता हूँ। तो हमारी चौथी जीएल की टीम हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना अभी ले सकते हो, फाइनल टीम तो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड कर ही दूंगा। एक इस वीडियो पर अगर प्रॉपर कमेंट रहा तभी तो, और व्हाट्सअप चैनल उसके लिए ज्वाइन कर लो दूसरी। और ये हो जाएगी तीसरी जीएल की टीम, और ये हो जाएगी चौथी जीएल की टीम। ये चारों जीएल की टीम आप यूज करो, आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और ये फाइनली स्मॉल लीग के लिए टीम हो जाएगा। तो चलो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी इस वीडियो पर प्रॉपर कमेंट होना चाहिए, और लाइक का टारगेट भी रख लेता हूँ, बट छोड़ो क्या ही रखता हूँ, आप मैक्स लाइक पूरा करवा देना। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखे तो उसके लिए धन्यवाद।